बारिश की वजह से किसानों का नुकसान हुआ है और उनकी फसल खराब हो गई है, ऐसा कहना सामाजिक कार्यकर्ता उमरेड़ विधानसभा क्षेत्र तथा नागपुर जिला ग्रामीण राजेंद्र मेश्राम इनका कहना है। उन्होंने मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, जिलाधिकारी, उप विभागीय अधिकारी इनको पत्र लिखा है। पत्र में लिखा है कि किसानों को बारिश की वजह से नुकसान हुआ है, उसकी मदद की जाए और किसानों ने जो कर्ज लिया है उसकी भी भरपाई प्रशासन द्वारा की जानी चाहिए। उन्होंने पत्र लिखते हुए कहा कि आपको विनती की जा रही है कि हर साल की तरह इस साल भी बारिश की वजह से विधानसभा के उमरेड़, कुही और भीवापुर तालुका में किसानों के खेती की फसल अधिक बारिश की वजह से खराब हो गए हैं। सोयाबीन, तुअर, कपास, मिर्ची, धान सभी फसल खराब हो रही है। इस कारण कुही भीवापुर तहसील में किसानों का बारिश की वजह से नुकसान हुआ, ऐसा घोषित कर किसानों को प्रति एकड़ 50,000 रुपए रकम नुकसान भरपाई समझकर देनी चाहिए और उनका कर्ज माफ कर प्रशासन द्वारा दिया जाना चाहिए, ऐसा राजेंद्र मेश्राम ने कहा है। त्या निवेदनामध्ये मागणी केलेली आहे की सतत आज उमरेड विधानसभेमध्ये जो शेतकऱ्यांचा जो विषय आहे त्या विषयाच्या अनुषंगाने शेतकऱ्यांचा जो माल आहे पाण्यानं कंटिन्यू पाण्यामधून सडलं टाईप झालेला आहे, सोयाबीनचं नुकसान झालेलं आहे, त्या नुकसानाच्या भरपाई म्हणून आज एकरी कमीत कमी आमच्या शेतकऱ्याला 50,000 रुपये नुकसान भरपाई द्यायला पाहिजे आहे। तसेच आणि आमच्या शेतकऱ्यांनी काही बँकेत थ्रू कर्ज घेतलेलं आहे ते कर्जसुद्धा शासनाने प्रशासनाने माफ करायला पाहिजे, या पद्धतीचं आम्ही एक निवेदन दिलेलं आहे। इसमें राजेंद्र मेश्राम जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं वह उपस्थित थे और अन्य लोग भी उपस्थित थे। उन्होंने पत्र में उनकी मांग पूरी होने की अपील की है।